लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में दीपावली की देर रात पीएसी के क्वार्टर में इंस्पेक्टर सतीश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब इस हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कृष्णा नगर पुलिस ने पीएसी इंस्पेक्टर सतीश कुमार की हत्या के मामले में साले देवेंद्र कुमार वर्मा और इंस्पेक्टर की पत्नी भावना सिंह को गिरफ्तार किया है। भाई बहन ने मिलकर ही इंस्पेक्टर की हत्या को अंजाम दिया था। बता दें कि करवा चौथ पर इंस्पेक्टर पति सतीश कुमार की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखने वाली पत्नी भावना ने ही अपने सुहाग को खत्म करने की साजिश रची थी। जानकारी के मुताबिक सतीश दोस्तों के साथ लड़कियों को घर लाता था और रात रात भर घर में उन्हें अलग कमरों में रखता था। उसकी हरकतों से परेशान होकर 3 महीने पहले भावना और देवेंद्र ने सतीश की हत्या की साजिश रची थी। दोनों को सतीश की हरकतों से 12 साल की बेटी पर भी गलत प्रभाव पड़ने का डर लग रहा था। वहीं बहन भावना को परेशान देख भाई देवेंद्र वर्मा ने इंस्पेक्टर की हत्या का प्लान बनाया था और बहन भावना भी पूरी साजिश में शामिल थी। घटना वाली रात इंस्पेक्टर की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए पहले से आरोपी ने इंस्पेक्टर की क्रेटा कार में GPRS ट्रैकर लगा दिया था। GPS ट्रैकर लगाकर अपने ही मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ था। फिर अपने मोबाइल पर इंस्पेक्टर की गाड़ी का लोकेशन आरोपी ट्रैक कर रहा था और घटना वाली रात इंस्पेक्टर को परिवार के अन्य लोगों से अलग कर अकेले लाने का प्लान भावना सिंह ने ही रचा था। वहीं इस मामले पर DCP दक्षिण विनीत जायसवाल ने बताया कि पकड़ा गया देवेंद्र प्रयाग नारायण रोड के जयप्रकाश नगर का रहने वाला है। उसने इंस्पेक्टर सतीश की क्रेटा कार में GPRS लगाकर उसका एक्सेस अपने मोबाइल पर ले रखा था ताकि इंस्पेक्टर की लोकेशन उसे हर समय मिल सके। इंतजाम किया था कि गई इनके द्वारा बताया गया कि जो इनके जीजा हैं इनसे इनकी सिस्टर के संबंध ठीक नहीं थे। पिछले कई सालों से जो ये मृतक हैं उन पे आरोप लगाया गया है उनकी पत्नी द्वारा कि उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे और अन्य कतिपय आरोप कई अन्य महिलाओं को लेकर उनके द्वारा लगाए गए जिसके संबंध में लगातार घर में तनाव रहता था। इसी उद्देश्य से जो ये आरोपी है देवेंद्र और उसकी सिस्टर भावना जो मृतक की पत्नी भी है इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था कि अब इसको रास्ते से हटाना है और इसी षड्यंत्र के तहत इस घटना को इन्होंने कारित किया था और पिछले करीब 2-2.5 महीने पूर्व से ही इनकी ये प्लानिंग चल रही थी जिसके तहत पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए साइकिल खरीदी और हुडी टी शर्ट पहनकर घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। रास्ते में साइकिल छोड़ी फिर कपड़े भी फेंक दिए। सर्विलांस से बचने के लिए आरोपी ने अपना मोबाइल घर पर छोड़ दिया और घर पर मौजूद भांजे से ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऑर्डर करवा रहा था ताकि लोकेशन घटना स्थल पर ना मिले। इंस्पेक्टर की हत्या के खुलासे में पुलिस की 5 टीमें लगाई गई थी। 10 किलोमीटर के दायरे में 400 CCTV खंगाले तब जाके आरोपी को ट्रैक किया गया।